Hello everyone, welcome back to my channel. Once again, let's continue with the next case study, which is case study number 17 of Messrs. Hari Mukund Hardwares. चलिए पढ़ते हैं, साथ साथ conceptual clarity भी लेते जाएंगे. It seems कि ये है time of supply की case study. चलिए करते चलते हैं साथ साथ. देखो क्या कह रहा है, Messrs. Hari Mukund Hardwares, a partnership firm registered under GST in the state of Uttar Pradesh. जो Hari Mukund Hardware है कहाँ पर registered है, यूपी में registered है. In engaged in the supply of door and window fittings across the India. काम क्या करते हैं वो, doors and window की fittings जो होती हैं उसको supply करते हैं. कहाँ supply करते हैं, across India supply करते हैं. In the month of October, October के month की हमें कुछ transactions given है. आउटवर्ड सप्लाईज गिवन है, मतलब सेल वाली आइटम्स गिवन है. Hari Mukund Hardwares जो है कहाँ पे, यूपी में रजिस्टर्ड है. और वो क्या करते हैं, डोर एंड विंडो की फिटिंग्स को सप्लाई करते हैं. अक्टूबर मंथ की हमें कुछ दी गई है ट्रांजेक्शन, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई वो कह रहा है दी हुई है. चलो नंबर वन किसको वो कर रहा है, नंद किशोर ट्रेडर्स को हरियाणा में कर रहा है. पर्सन कहाँ का है, पर्सन है यूपी का, कर रहा है हरियाणा में, तो आईजीएसटी लगेगा. टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 5,75,000. फिर देखो क्या कह रहा है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 10th of October. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या है, 25th October. डेट ऑफ रिमूवल दिया हुआ है. अब आपको याद आना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई में, टाइम ऑफ सप्लाई में गुड्स के केस में क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई, द डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस. लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मतलब जिस दिन रिमूवल हो उस दिन एज पर सेक्शन 31 इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए. और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये था स्टार्टिंग के लो में लिखा हुआ, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. एक थर्ड पॉइंट ऑल्सो था डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. लेकिन क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, इन केस ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अगर एडवांस पे आ रहा है, एडवांस वाली पेमेंट आ रही है, तो गुड्स के केस में 66/2017 में बोला था नोटिफिकेशन नंबर कि गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी नहीं आएगा. गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी नहीं आएगा तो क्या बच गया, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. तो ये डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हमारे लिए काम की नहीं है फिलहाल टाइम ऑफ सप्लाई के पर्पज से. ठीक है, देखते चलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, निकालते चलेंगे हम साथ साथ. चलो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, 10th October. ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस. नेक्स्ट, चरणजोत हार्डवेयर को पंजाब में ट्रांसफर करा है, है सभी आईजीएसटी, क्योंकि यूपी में कोई भी ट्रांसफर हमें यहाँ पे दिखाई नहीं है. तो डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस 10th October, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस 17th October, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस 18th October. ठीक है, ये हो गया यहाँ पर डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे हमारा आ गया. ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये गुड्स का केस है इसलिए इजी हो गया हमें ये निकालना. फिर ये क्या बोल रहा है, फिर क्या कह रहा है, एक्सक्लूड द डिस्काउंट इफ गिवन एनी. वो कह रहा है अगर कोई भी डिस्काउंट की बात आती है तो आप उसको एक्सक्लूड कर दो. कोई भी डिस्काउंट की बात आती है तो आप उसको क्या करो, आप उस डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर दीजिए. फिर देखते हैं क्या कह रहा है, एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स 18%. जहां जहां रेट लगाना है वहां क्या क्या लगाना है, 18% लगाना है. गुड्स आर जनरली रिसीव्ड बाय पार्टी इन पंजाब हरियाणा राजस्थान. जो पंजाब हरियाणा राजस्थान की पार्टी है उनको गुड्स कब मिल जाती हैं, सेकेंड डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, सेकेंड डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल. लेकिन कर्नाटका में पहुंचने में 5 दिन लग जाते हैं, कर्नाटका में डिलीवर होने में 5 डेज लग जाते हैं. फिर क्या बोला हुआ है, मेसर्स Hari Mukund Hardwares क्या करते हैं, 2% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट आएगा, ध्यान रखना, 2% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं. किस किस को दे रहे हैं, टू इट्स कस्टमर. कब दे रहे हैं, व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस.
जब या तो पेमेंट एडवांस में रिसीव हो जाए या फिर 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिमूवल में हो जाए। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, डेट ऑफ रिमूवल से चेक करना है, या तो जो पेमेंट है वो डेट ऑफ रिमूवल से पहले आ गई हो या फिर विद इन 15 डेज आ गई हो, तो वहां पे हमने क्या करना है, 2% का डिस्काउंट भी देना है, 2% का डिस्काउंट भी देना है। और वो कह रहा है साथ साथ क्रेडिट नोट भी इशू कर दिया जाएगा। चलिए अभी हम ये पॉइंट को लगे हाथ सॉल्व कर लेते हैं कि किस किस में डिस्काउंट मिलेगा, किस किस केसेस में डिस्काउंट मिलने वाला है। एक बार चेक कर लेते हैं किस किस केसेस में डिस्काउंट मिलेगा। देखते हैं कब मिलेगा, कब मिलेगा डिस्काउंट, जब या तो एडवांस में पेमेंट हो या फिर विद इन 15 डेज हो। देखो डेट ऑफ रिमूवल से ये विद इन 15 डेज आ रहा है, विद इन 15 डेज आ रहा है ना, तो इस पे डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड, ये तो सीधा सीधा एक महीने की बात हो रही है, इस पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 20th अक्टूबर से 12th अक्टूबर एडवांस पेमेंट आ गई, गुड्स तो रिमूव की 20th अक्टूबर को, पेमेंट आ गई 12th अक्टूबर को, तो क्या मिलेगा डिस्काउंट, बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद 19th अक्टूबर से 29th नवंबर एक महीने के बाद जा रहा है, इस पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट हम देखेंगे कितना कितना मिलेगा, 2% मिलेगा, 5,75,000 का 2% 11,500 रुपए। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका निकाल लेते हैं, 2,70,000 का 2% 5,400 रुपीज, 5,400 रुपीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, टू सप्लाई सच गुड्स, सच गुड्स को सप्लाई करने के लिए इट रिसीव्ड फ्रॉम लोकल जीटीए, इसने लोकल जीटीए खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर जो कि अनरजिस्टर्ड है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो टैक्सेबल होगा। इट डज नॉट मैटर वेदर जीटीए इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। क्या बोला गया, इनवॉइस कब इशू किया गया है, इनवॉइस इशू किया गया है 22nd of October। पेमेंट कब इशू की गई है, पेमेंट कब आई है, 27th ऑफ दिसंबर को पेमेंट आई है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें पता है 5% का रेट उसने बोला है तो टैक्स हो जाएगा आरसीएम में, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, पहली बात तो सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस ले रहे हैं, दूसरी बात आरसीएम का केस है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलता है, 61st day फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट कब है, 27th दिसंबर को, 61st day निकाल लेते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस देखो कब है, 22nd अक्टूबर, अक्टूबर के कितने दिन बच गए, 9 दिन अक्टूबर के हो गए, नवंबर के 30 डेज हो गए, अब कितने 39 टोटल हो गए, हमें कितने चाहिए 22 डेज आ जाएंगे दिसंबर के, 22nd दिसंबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। कुछ नहीं करा मैंने, डेट ऑफ इनवॉइस से क्या करा, डेट ऑफ इनवॉइस से 61st day जो आ रहा है वो 22nd ऑफ दिसंबर आ रहा है, पेमेंट है 27 दिसंबर, दोनों में से जो पहले है तो 22nd दिसंबर विल बी आर आंसर फॉर द सेम। यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब आ जाते हैं हम फटाफट से एमसीक्यूज पे, एमसीक्यूज में कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। देखो, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स सप्लाई टू मेसर्स चरणजोत हार्डवेयर, चरणजोत हार्डवेयर की सप्लाई देखो कौन सी थी, सेकंड वाली, जिसमें क्या आ रहा है, 10th ऑफ अक्टूबर आ रहा है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, ये आ गया आंसर। फिर क्या कह रहा है, सप्लाई टू राणा सिंह जी हार्डवेयर, राणा सिंह जी हार्डवेयर की सप्लाई देखो वहां पे क्या है, राणा सिंह जी हार्डवेयर ये रे, इनका टाइम ऑफ सप्लाई हमने कब निकाला है, 17th ऑफ अक्टूबर को निकाला है, तो 17th ऑफ अक्टूबर विल बी आर आंसर बी ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड क्या कह रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई बताओ इन केस ऑफ सर्विस सप्लाइड बाय खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर, सप्लाई ऑफ सर्विस आरसीएम का केस, आंसर हमने निकाला है 22nd of December हमने आंसर निकाला है। आई होप आप साथ साथ कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, देखो फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रोस टैक्स लायबिलिटी एट्रिब्यूटेबल टू आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई की ग्रोस लायबिलिटी बताओ हरिमुकुंद हार्डवेयर की अक्टूबर की, आउटवर्ड सप्लाई में कुछ डिस्काउंट था उसको लेस करके हम निकाल लेंगे। सबसे पहला कैलकुलेटर उठाइए, 5,75,000 से हटा दो 11,500 रुपए, तो यहाँ आ गया 563,
563 500 आ गया फर्स्ट के केस में। सेकंड के केस में कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो 3,25,000 ऐड कर दो। थर्ड के केस में 2,70,000 था उसमें से लेस कर दो, 5,400 फिर ऐड कर दो 3,75,000 सप्लाई बन गई 15,28,100 रुपीज 15,28,100 रुपीज। ये सारा का सारा IGST है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे अदर स्टेट में जा रहे हैं। मल्टीप्लाई करो 18% 275,058 IGST मस्ट बी आर आंसर। एक बार हम चेक कर लेते हैं 275,058 ये रहा। IGST, GST, CGST, SGST nil है क्योंकि उसने आउटवर्ड सप्लाई की बात करी है, nil आ रहा है CGST, SGST। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई, टोटल वैल्यू की बात कर रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारी होती है हमें। टोटल वैल्यू की सप्लाई बताओ जिस पे मुकुंद हार्डवेयर को टैक्स देना है, टैक्स देने की बात की है टोटल सप्लाई पे। एक तो वो आउटवर्ड सप्लाई पे दे रहा है, आउटवर्ड सप्लाई कितनी थी 15,28,100 और इनवर्ड सप्लाई भी इसी को टैक्स देना है, क्यों? क्योंकि RCM में टैक्स आ रहा था 1,00,000 उसकी भी अमाउंट है। टोटल कितनी सप्लाई पे टैक्स देना है 16,28,100। एक बार आंसर करते हैं चेक, BADA ए हो गया, BA लास्ट का A है, ऊपर C होना चाहिए, बिल्कुल सही, फिर D, फिर A और B, बिल्कुल आंसर हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट। केस स्टडी नंबर 17 हो गई हमारी फिनिश। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू रियली लाइकिंग इट देन शेयर इट विद द फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।